मिल जाएगा आपको। अच्छा जी सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो सब। मैं देखो, उन्होंने किसी गाड़ी को तो रोका है, किसी गाड़ी को तो। अच्छा वो बोल रहे हैं उसको। ये बोले हैं कि अपनी गाड़ी को रास्ते से हटाओ, नहीं तो चालान लग जाएगा। तो ये बंदा भी उठा के लेके जा रहा है। तो ऐसा होता है यहाँ पे, हो सकता है आगे जाके रोक ले उसको अगर ज़्यादा है तो गाइस कैसे हो सब। हम अभी आ गए हैं ओपन मार्केट अस्त्राखान में। आज मेरे को अभी अस्त्राखान का मीट मार्केट है ना, वो लेके जा रहा है प्रकाश। प्रकाश वैसे तो मीट खाता नहीं है, नहीं खाता ना भाई? नहीं खाता, वेज हूँ मैं, पूरा वेजिटेरियन। तो फाइनली हम मीट मार्केट के अंदर दिखा रहा हूँ। तू जाके दिखा, मैं नहीं जा रहा। देख सकते हो पूरा अलग तरीके का है। मेरे को भी इतना पता नहीं किस तरह का मीट वगैरह है, लेकिन मैं जैसे शूट कर रहा हूँ देख सकते हो। एक छोटा सा सोप है इधर, हर तरीका का मिल जाएगा आपको। गाय का सबका मिलेगा। गाइस मैं तो गया नहीं था, भाई गया है। चल भाई आगे तू ही लेके चल। आज ये वीडियो प्रकाश के नाम क्रेडिट भाई प्रकाश, मैं तो एडिटिंग करते टाइम ही देखूँ अंदर क्या क्या मीट है। किस किस का था प्रकाश मीट? गाय का था और अपना यहाँ पे मुसलमान रहते हैं जो कि बीफ भी खाते हैं तो, और रशियन भी खाते हैं, तो यहाँ पे गाय का भी होता है, मोस्टली बुल होता है वो। प्रकाश ये लेना है क्या? ये बोल लेनी है, आते टाइम लेते हैं मित्र। तो फाइनली हम ओपन मार्केट के अंदर आ गए, छोटा सा ये मतलब मेन मार्केट है यहाँ का, बोल से सब बोलते हैं इसको। अब देख सकते हो पूरा सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, चीज़ वगैरह बोलते तो और बोलते हैं यहाँ पे। पूरा मार्केट आप देख सकते हो इधर का। हाँ हाँ, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप लगी हुई है और पूरी हर चीज़ मिल जाएगी, मोस्टली खाने पीने की। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स का जो खाना वाना रहता है वो मिलेगा। जो मेन आपको मैं सलाद वगैरह का ये पूरा ये दिखाता। और देखो यहाँ पे मीट की शॉप लगी हुई है, शायद बकरे का मांस है तो मियासम बोलते रेस्टोरेंट्स को। ये सब ये गाय का मांस है देख सकते हो पूरा इधर का। उस तरफ भी मैं आपको दिखाता, नित किनो नहीं है तो वीडियो या व्लॉगर दादा। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ का जो मीट मार्केट है वो मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा मार्केट है, आप देख सकते हो पूरा। अलग अलग तरीके की सोप लगी हुई, अलग अलग तरह का मीट है और उनकी प्राइस वगैरह भी किलोग्राम के हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पे लीवर का आ गया और ये मसाले वगैरह की सोप वगैरह आ गई पूरी।
और आगे भी है बहुत बड़ा मार्केट है, तो मैं इतना ही अभी सूट कर पाऊँगा, क्योंकि तो इतना ज़्यादा सूट इनको ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं यहाँ पे सूट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो गाय का मांस है और अलग तरह तरीके का मीट है, मुझे भी उतना पता नहीं है लेकिन मैं गेस कर पा रहा हूँ। जो लोग खाते हैं यहाँ पे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग खाते हैं, आप देख सकते हो। तो मैं छोटी छोटी सोप्स लगी हुई है, ये चीज़ वगैरह यहाँ पे मोस्टली चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। ये फ्रूट्स का है और अपने इंडिया का वो लगा हुआ, आप देख सकते हो ताजमहल यहाँ पे है फेमस है इसका। जी द्रास्वी देव, देख सकते हो फ्रूट्स ओपन मार्केट है। यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में सोप लगती है वैसे यहाँ पे बहुत सारी सोप्स लगती है, अलग अलग तरीके के जो रेस्टोरेंट का जो होता है खाना और सलाद टाइप है वो होता है, वो आप देख सकते हो पूरा का पूरा मिलेगा यहाँ पे अच्छे से। यहाँ से ये ड्राई फ्रूट अच्छे हैं? हाँ ड्राई फ्रूट अच्छे हैं यहाँ पे, सब मिलेगा। वालेकुम सलाम। अभी शुभम को कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे तो शुभम ड्राई फ्रूट्स ले रहा है यहाँ पे। भाई ने बहुत ज्यादा डिस्काउंट करवा दिया, डिस्काउंट दिलाया मैंने सच में। मैं हर बार इसके पास यहाँ पे ना देते हो ये सब मिलता है ड्राई फ्रूट, और मैंने अभी काजू बादाम पिस्ता किशमिश और अंजीर ये सारी चीज़ें ली है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। Попробуйте, угощайтесь. Это? Да. Это что? Это шоколад, вот это попробуй. Это? Да. Вкусный, отличный. Соль? Соль? Нет, шоколад. Вкусный. Хорошо. Чоколад, я мне казалось, что паттер. Это халва. Это халва, да? Халва, да. Да. Из Индии. Индия? Да. Джимми, Джимми, Аджа, Аджа. Джимми, Джимми, Аджа, Аджа. Аджа, Джимми, Аджа. ये देखो यहाँ पे मार्केट है अच्छा, भाई के कारण इसने मेरे को डिस्काउंट दिलाया भाई। ये हम लेके जा रहे हैं फाइनली, इसने ड्राई फ्रूट्स लिए, अंजीर वगैरह सब लिया है। कार्ड सिदानिया, सिदानिया। ओके तो अभी हमने सब कुछ चीज़ें ली है, बहुत सारी चीज़ें ली है और बहुत अच्छा डिस्काउंट दिला दिया प्रकाश ने मुझे। अभी हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट, ओपन मार्केट। चल भाई, पहली बार रशिया में बार्गेनिंग करी है। बार्गेनिंग मेरे को ओपन मार्केट में करने आते हैं, क्योंकि ये बंदे के पास मैं बहुत बार आ चुका, तो भाई को अच्छा खासा सामान दिलाया, करीबन 3 किलो हो गया, ये 3000 रूबल का सामान आ गया आराम से अच्छे से। अगर ये इसकी अगर ये नहीं होता ना तो 3500-3700 के आसपास चल जाता, बट भाई ने इसने करा दिया, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। जूते का देखते लेडीज का यार, जेंट्स का मिलेगा कि नहीं? लेडीज का ही पूरा। तो भाई है ना, मैं थक गया हूँ ऑनेस्टली, प्रकाश नहीं थका अभी तक, इसमें फुल ऑफ एनर्जी है। ऐसा है मार्केट यहाँ का, कपड़े वगैरह मिलते हैं। थोड़ा लेट हो गया तो हम थोड़ा भी निकल रहे घर के लिए, मेरे को 2 बजे यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरा 4 बजे कॉन्सर्ट है मेरा सिंगिंग का, तो मेरे को इसके लिए रिहर्सल है, तो मैं ज़्यादा बस मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। बस भाई को पूरा टाइम दिया था ना, सुबह से 8 बजे उठने के लिए बोला था, 10 बजे बाहर निकले, 10:30 बजे बाहर निकले, 10 बजे हम खाना वाना खा के निकले, हमें 8 बजे उठा, लेकिन फिर भी टाइम जल्दी जल्दी निकल गया। ओके सो अभी गाइज हमने आपको दिखाया यहाँ पे मोस्टली गर्ल्स की लेडीजों के मिलते हैं और काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अच्छी रेट में मिलते हैं। तो
अस्त्रखान का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अपन बारगेनिंग भी करवा सकते हैं उनसे अच्छी खासी, अगर ज़्यादा तो नहीं होगी 100-200-300 रुपए कम हो जाएगी, इंडिया जितनी बारगेनिंग नहीं होगी, पर जो अपनी नेपाली मार्केट होता है वैसा है, और आगे भी ऐसा ही है, जब जाते जाएंगे आगे तो ऐसा ही ऐसी चीज़ें दिखती जाएगी। फर वाली जो कैप वगैरह होती है वो रहेगी, और जानवरों के वो भी है, तो वो शाम को लगता है आज लगानी है। ये देखो ये चाय का होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल चाय बनाने का ही है, गर्म पानी का भी होता है, इसमें चाय भी बनती रहती है। देखो ये रिफ को फर वाले कोट इसको कम है इधर, फिर जानवरों वाली है ना जो खाल वगैरह की, वो भी है आगे की तरफ है ना, किधर है प्रकाश? अंदर है, देखते मार्केट बहुत बड़ा है, एक दूसरी तरफ मयाक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मयाक, मयाक मयाक बोलते हैं इसको। शुभम को तो अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जस्ट ये एक बताना था कि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है और कम रेट में मिलती है गाइस, जो ओरिजिनल प्राइस रहती है उससे भी अच्छी मिलती है, और बाहर की शोरूम की प्राइस रहती है उससे भी अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे भाव तोल कर सकते हैं। और प्रकाश कोई भी आता है यहाँ पे, प्रकाश भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना, प्रकाश भैया बहुत बढ़िया दिखाते हैं, है ना भैया? बड़े दिखाते हैं क्या मतलब? बढ़िया तरह से दिखाने के बाद उसको अच्छी तरह से गाइडी कर दूंगा, गाइडी करते हैं और उसको कम भी करवा देते हैं, इनकी सब जगह जानकारी यहाँ पे, मार्केटिंग अच्छी करवा दूंगा इनकी जानकारी है पूरी यहाँ पे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी आपको तो अभी लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरे को ये जरूर बताओ कि प्रकाश कैसा लगा हमारा, प्रकाश कैसा लगा हमारा ये जरूर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।